आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और आज है हमारा स्कूल का फर्स्ट डे, मतलब हॉलीडेज के बाद फर्स्ट डे। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंडे है इसलिए मैं जा रही हूँ मंदिर। हाँ दादी आ गई, तो दादी बुला रही है। आम आ गई, ठीक है आम ले आओगे। तो अभी दादी कह रही थी कि आम भी रख ले जा मंदिर के लिए। तो मैंने ना कहा था कि जिस दिन मेरा फर्स्ट डे होगा उस दिन मैं लड्डू चढ़ाऊँगी। तो मैंने लड्डू मैं कल लेके आ गई थी संडे को, तो मैंने अभी वो चढ़ाऊँगी जाऊँगी। और फिर मैं मंदिर से आके आपसे मिलती हूँ बाद में। और मम्मी अंदर अभी कर रही हैं कपड़े प्रेस, पापा फूल ले आए हैं ऊपर से। मैंने वापस कहा था पापा फूल ले आना, फूल लिया। हम लोग उठ गए थे 5 बजे, फिर मैंने अभी फ्रेश हो गई मैं, और मैंने नहा भी लिया है। और अभी बज रहे हैं 6। और देखो नीलाक्षु कैसा लग रहा है फर्स्ट डे स्कूल। और मम्मी कर रही है हमारे कपड़े प्रेस, मेरे हो चुके हैं, नीलाक्षु कर रही हैं। हेलो दोस्तों मम्मी, चलो फिर मैं आती हूँ मंदिर से। बाय बाय, आपको आके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, मॉर्निंग का सारा काम हो गया है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और मैं भी नहा धो के आ गई हूँ। तो बस अब बच्चों की हो रही है लंच की तैयारी। बच्चे कह रहे हैं आज मम्मी कुछ अच्छा सा बना के दो लंच में, क्योंकि फर्स्ट डे है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज आपको पोहा बना के देते हैं। पोहा दे रही हूँ और मैगी साइड में पानी भी रखा है, तो थोड़ा बहुत मैगी हो जाएगी, थोड़ा पोहा हो जाएगा और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। तो बस चलिए पोहा बना लेते हैं। पोहे के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में राई चटाई, फिर करी पत्ता डाल के, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के, और तो प्याज भुनने के लिए रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स पोहा बिल्कुल रेडी है। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पोहा डाल दिया था, और फिर उसमें हल्दी, मिर्च, नमक, मिर्च तो नहीं डाली मैंने क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है और बच्चे ज़्यादा मिर्च पसंद भी नहीं करते, तो लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी और नमक ही डाला था, और आप अच्छे से मिक्स करके, तो इसमें निचोड़ दूँगी नींबू, क्योंकि बिना खट्टे के तो पोहे में कोई टेस्ट ही नहीं आता है। तो बस देखिए पोहा बिल्कुल रेडी है, और अब इसमें जो मैंने रोस्ट करके पीनट रखी थी वो मिक्स कर दूँगी। तो हमारा पोहा बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी माही गई है मंदिर, तो उसके आने का वेट है, तो फिर थोड़ा थोड़ा बच्चों को अभी ब्रेकफास्ट में दे दूँगी और बाकी उनका लंच पैक कर दूँगी। अभी माही आ चुका है लंच बॉक्स, तो आपको दिखाती हूँ शुरू में, क्योंकि आज है, क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आज है फर्स्ट डे, और आज फर्स्ट डे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है खाने में, है ना, है ना। चलो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें। क्या है निराक्ष? अच्छा खोल के दिखाओ। हमारा जल्दीबाजी का डोनट, हमने ओरियो से बनाया था, नहीं खोल रहा। चलो छोड़ो, इसको मैं खोल के दिखाऊंगी बाद में, तो इसको आपको मैं बाद में खोल के दिखाऊंगी। इसको देखते हैं, ये है निराक्ष का लंच बॉक्स, जैसे आपको उसको देख के पता चल गया। वाह ये क्या है? इसके ऊपर हमें थोड़ी सी बची हुई थी तो हमने खा ली। खोल के दिखाओ इसको। ये देखो ये रही मैगी। और मेरा का दांत कहाँ चले गया? पेट में। पेट में। चलो इसको रख दो। भूख मिल गई थी दांत से। भूख मिल गई थी। तो चलो अब इसको बंद कर देते हैं। और
ये है मेरा लंच बॉक्स। मेरे लंच बॉक्स में कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से पता चल जाएगा। यहाँ पे है पोहा, यहाँ पे है मैगी, यहाँ पे है आलू भुजिया और यहाँ पे है डोनट, ठीक है। और यहाँ से दिख रहा है, देखो ऐसा है। और ये नीलाक्षर मेरी बोतल। तो अब हम रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। नीलाक्ष रेडी होके बैठा हुआ है और माही अब जाने को रेडी है। चलो माही बाय। कैसा लग रहा है फर्स्ट डे स्कूल? अच्छा माही को छोड़ने उसकी पता चल रही कि आएंगे और फिर नीलाक्ष को छोड़ के आएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और जैसा कि आपको पता ही है आज बच्चे गए हैं स्कूल, काफ़ी टाइम बाद गए हैं। आज तो उन्हें रन कैसा लग रहा होगा। और देखिए मेरे चावल सीटी भी आ गई और इसी का मैं वेट कर रही थी, और क्योंकि मुझे जाना है बच्चों को स्कूल लेने के लिए, नीलाक्ष को स्कूल लेने जा रही हूँ मैं, तभी मैं तैयार भी हुई हूँ। और देखिए मैंने दाल बना के रख दी है, चावल भी, एक सीटी आने का वेट था तो बस सीटी भी आ चुकी है, तो चावल भी रेडी हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल। नीलाक्ष को लेके आऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही माही भी आ जाएगी और फिर हम करेंगे लंच। तो बच्चों के आने से पहले अगर लंच तैयार हो जाए ना तो सही रहता है, नहीं फिर उसके बाद बच्चे परेशान करते हैं क्योंकि वो भी थके हारे आते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं खाने का। और फ्रेंड्स अभी पहुंच चुकी हूं मैं नीलाक्ष के स्कूल में। देखिए स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सारे बच्चे बाहर आ गए हैं और बच्चे कितने खुश हैं ना स्कूल से बाहर आके।